हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में जो बार बार आपसे पूछी जाती है जैसे की स्ट्रेंथिंग एंड वीकनिंग स्ट्रेंथिंग और वीकनिंग आर्ग्यूमेंट में हम कैसे ढूंढते हैं और इनका मतलब क्या होता है दैट इज इट इतना ही होता है स्ट्रेंथिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट में आपको उससे ऑपोजिट नहीं ढूंढना क्या ढूंढना है सेम चीज हाय एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई मेरा नाम है जासमीन और हर रोज की तरह आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार आपसे पूछी जाती हैं जैसे कि स्ट्रेंदिंग एंड वीकनिंग ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में दिखाई देंगी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नाउ इफ यू आर एन एस्परेंट और जो तैयारी कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस टेस्ट की किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की चाहे वो क्लैट है एलेट है या कोई भी और देन आई एम श्योर यू मस्ट बी स्ट्रगलिंग टू फाइंड फ्री रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस एवरी डे इफ दैट्स द केस यू कैन ज्वाइन ऑन टेलीग्राम जहां पर आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो एंड आई एम रीच आउट टू यू एज सुन एज आई कैन अगर आप ढूंढ रहे हैं वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल यूर प्रॉब्लम फॉर ऑल द प्रॉब दट यू आर फेसिंग इन प्रेपरेशन आपको मेंटोरशिप चाहिए रिसोर्सेस चाहिए सब कुछ मिलेगा हमारे पेड कोर्स में अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं आई एम

सकते राइट नाउ लेट्स मू वॉन एंड अंडरस्टैंड कि इसमें हमार को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ठीक है यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज अ टेक्स्ट तो इस सेंटेंस में वो क्या बोल रहा है द कंपनी शुड नॉट फायर जॉन इफ दे फायर जॉन देन द मोराल विथ फ्लमिट एंड इफ द मोरल फ्लमिट्स दैन प्रोडक्टिविटी विल सफ़र वो बोल रहे हैं कि हमें जॉन को फायर नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम जॉन को फायर करेंगे तो प्रोडक्टिविटी सफ़र करेगी क्योंकि मोरल डाउन हो जाएगा हमारे जितने इम्प्लॉयज है उनका ठीक है दिस आर्ग्यूमेंट हैज़ अ फॉल्स डेलेमा फ्लॉ हमने फॉल्स डेलेमा के बारे में बात करी थी याद है वो कभी कभी आपको फंसाने की कोशिश करेगा अपने आर्ग्यूमेंट में दिस आर्ग्यूमेंट हैज़ अ फॉल्स डेलेमा द कंपनी में हैव अदर ऑप्शन बिसाइड फायरिंग जॉन दैट वुड नॉट रिजल्ट इन ड्रॉप ऑफ मुफ प्रोडक्टिविटी टू फिक्स दिस फ्लॉ यू कड एड अनादर ऑप्शन सिच एज द कंपनी शुडेंट फायर जॉन इफ द फायर जॉन दैन द मुराल विल प्लमिट एंड इफ

अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कैसे हमारे आर्ग्यूमेंट को हम स्ट्रेंदन कर सकते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको अगर हम चूज करेंगे तो हमारा आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा स्ट्रेंदन का मतलब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके उसका सीधा सीधा मतलब क्या है आपसे पूछने का उसका सीधा सीधा मतलब है वो आपसे पूछ रहा है ऐसे स्टेटमेंट को चुनो जिसके जिसको हम अगर सच मान रहे हैं इस चारों ऑप्शन में से तो जो हमारा ऑथर कह रहा है उसके साथ वो अग्री करेगा मतलब आपको सेम चीज ढूंढनी है जो हमारे पैसेज में बोली गई है That is it. Itna ही होता है स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट में आपको उससे ऑपोजिट नहीं ढूंढना क्या ढूंढना है सेम चीज ताकि अगर वो उसको हम सच मान लेंगे तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर वो आपसे पूछता है वीकनिंग के बारे में कि फाइन समथिंग विच वीकें द आर्ग्यूमेंट इफ ट्रू अगर इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सच मान लिया जाए तो वो हमारे पूरे आर्ग्यूमेंट को वीकन कर देगा कमजोर कर देगा यू कैन ऑल्सो फाइंड वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट बाई फाइंडिंग वेज टू मेक द प्रमाइज लेस लाइकली टू बी ट्रू इसका आसान भाषा में मतलब क्या हुआ कि आपको उससे ऐसी चीज ढूंढनी है जो उससे ऑपोजिट है आपके आर्ग्यूमेंट से आपके ऑथर से कंप्लीटली एंटायरली ऑपोजिट है क्योंकि अगर हम उसको सच मान लेंगे तो हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा गलत हो जाएगा वीक हो जाएगा तो स्ट्रेंथिंग में आपको सेम चीज ढूंढनी है लेकिन वीकनिंग में आपको ऑपोजिट आइडिया ढूंढना है जो कॉन्ट्राडिक्ट करे आपके ऑथर के आइडिया को अगर आप ऐसी स्टेटमेंट ढूंढ लोगे देन दैट्स द वे ऑफ

बट वी डोंट नो इफ दिस इज ट्रू बिकॉज वी डोंट हैव एविडेंस टू सपोर्ट इट तो एविडेंस क्या होगा तब होगा जब वो ये लाइन एड कर देगा जॉन हैज बीन विदनी फॉर टेन ईयर्स एंड हैजर बीन लेट ऑ मिस एटवर्क तो उसमें क्या बोला उसने तब हमें पता चल रहा है हमारे पास एविडेंस है कि जॉन एक हार्डवर्किंग एम्प्लॉई है बेसिकली हमें क्या करना है अगर हमारे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि आपको चार ऑप्शन में से कोई भी ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके बाद आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो वीकन हो जाए अगर हम उसको सच मान रहे हैं तो इसका मतलब आपको कॉन्ट्राडिक्ट्री आइडिया ढूंढना है दैट इज इट इतना ही होता है वीकनिंग में इससे ज्यादा नहीं होता है एंड ट्राई एंड सॉल्व स्ट्रेंथिंग एंड वीकनिंग क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है रिपेटेटिव है बार बार आपको दिखाई देगा क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको प्रैक्टिस करना अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहिए जिनको आप प्रैक्टिस कर पाओ यू कैन जॉइन आर टेलीग्राम चैनल आपको आसानी से मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दिस अगर इसके अलावा आपको कोई भी और चैलेंज फेस होता है वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग Keep learning, take care of your health in the meantime, and thank you for watching. I'll see you in the next video. Thank you. Bye bye.